काफी सारे लोग पूछते हैं कि हमको कोई ऐसे टिप्स दो, गोल्डन टिप्स फॉर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। तो आज का वीडियो का टॉपिक वो है गोल्डन कंसेप्ट फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। तो आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, पुणे, मुंबई, नागपुर या हमारे हॉस्पिटल्स हैं। काफ़ी सारे लोग कंसल्ट करते रहते हैं उनके प्रॉब्लम्स के बारे में, और फिर हम उनको कोचिंग करते रहते हैं, काउंसलिंग करते रहते हैं, समाधान उनका करते रहते हैं, कुछ उनको सॉल्यूशंस देते रहते हैं, अच्छा जीवन जीने के लिए कोई टिप्स देते रहते हैं। लोगों को मन को शांति नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी लोग अशांत हैं अंदर से, मन में, और वो चाहते हैं कि क्या करूं मैं कि जिससे मुझे अच्छा लगेगा। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको हम कुछ टिप्स देते हैं, वो आपको बताने वाला हूँ। उसको हम बोलते हैं गोल्डन कंसेप्ट फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। मैं बोलता हूँ कि आप रोज 2 घंटे टाइम निकालो, डेली 2 घंटा। वो 2 घंटे में करना क्या है? वो 2 घंटा आप कभी भी निकाल सकते हैं, मगर आप सुबह निकालते हैं या रात को निकालते हैं, कभी भी निकालो, मगर वो 2 घंटा निकालना जरूरी है। अब 2 घंटा आप डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक, मतलब 15-15 मिनट के 4 स्लॉट है, 15 मिनट्स, 4 मतलब 1 घंटा। तो 15 मिनट पहले अपने खुद के साथ में कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, को हम, और उसकी डिस्कवरी करना, उसके बारे में सोचना कि मैं कौन हूँ, मेरा आने का मकसद क्या है ये दुनिया में, मैं क्या करने आया हूँ। तो वो 15 मिनट। नंबर दो, 15 मिनट आपके बच्चों के साथ में। नंबर तीन, 15 मिनट आपके पत्नी के साथ में। नंबर चार, 15 मिनट आपके माँ बाप के साथ में। ये हो गए 60, मतलब 1 घंटा हो गया है। अब हो सकता है कि ये जो है ये आप एक साथ समय बिता सकते हो, पत्नी, माँ बाप और बच्चे, 45 मिनट, या अलग अलग बिता सकते हो, जैसे भी आपको लगे वो। फिर नेक्स्ट 30 मिनट्स जो है, 30 मिनट वो आप व्यायाम करते हो, एक्सरसाइज, और ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपको पसीना आ जाएगा, ऐसी एक्सरसाइज कर रहे रोज। तो ऐसे हो गया 1.5 घंटा। फिर बचे 30 मिनट, तो उसमें से 10 मिनट आप नेचर के साथ में हो, निसर्ग के साथ में हो, वहाँ आप आपका टाइम दे रहे हो। तो फिर निसर्ग के साथ में रहना और एक्सरसाइज करना, वॉकिंग, जॉगिंग, ये आप कंबाइन कर सकते हैं। फिर 10 मिनट आप ग्रैटिट्यूड में रह सकते हो, कृतज्ञता व्यक्त करना, भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, जो आपके जीवन में महत्व के लोग हैं, जिन्होंने आपके जीवन में योगदान दिया है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। हो सकता है कि मन के मन आप कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हो, या फिर उनको बोल सकते हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, यदि लोग हैं आपके आसपास तो उनको थैंक यू बोल सकते हो, धन्यवाद दे सकते हो उनको, आपके माँ बाप को आप धन्यवाद दे सकते हो, जो लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया उनको आप धन्यवाद दे सकते हो, और आप रोज़ अलग अलग उन दे सकते हो कि जो कॉन्ट्रीब्यूट जो लोगों ने आपके लिए किया। हो सकता है कि आपके टीचर्स हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके नेबर्स हैं, कोई भी व्यक्ति हो, तो आप धन्यवाद का वो टाइम आप दे सकते हो 10 मिनट का। और 10 मिनट आप आपके जो 3 विजन्स है, मेन गोल्स ऑफ लाइफ, तो उसके लिए आप 10 मिनट दे सकते हो। उसका प्लानिंग करना, उसकी स्ट्रेटेजी तैयार करना, उसके बारे में सोचना, उसमें आप दे सकते हो। जैसे अब यह 2 घंटे आप रोज देते हो, तो देखो एक एक साल भर आप करेंगे तो कहीं के कहीं आप निकल जाओगे, कहीं के कहीं निकल जाओगे आप। आपको देखेंगे एक साल में मैंने कितनी तरक्की करके रखी है, कितना फायदा, कहाँ मैं था और आज कहाँ हो गया, ऐसा आपको मालूम पड़ेगा, दिखेगा रिजल्ट्स में दिखेगा, और आपका जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाएगा, बहुत मजा आएगा जीवन जीने में, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, एक आप ऐसी ऐसी एक जगह आप हो जाएंगे, एक ऐसी व्यक्ति हो जाएंगे कि लोग आपके पास में आना पसंद करेंगे, लोग आपका सहयोग देना पसंद करेंगे, आपकी एक टीम अच्छी तैयार हो जाएगी, जो आप चाहोगे वो आपके लिए संभव होगा। तो ज़रूर आप ये करके देखो, और आपके जो जो फीडबैक है वो जरूर कमेंट बॉक्स में डालो, ताकि हमको भी मालूम पड़ेगा कि आपके क्या रिजल्ट्स आपने पाए। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।